नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश नाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रुपये मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज कैसे सीट का वायदा बाजार ठीक ठाक ही कारोबार करता नजर आ रहा है अपनी उसी एक सीमित दायरे के अंदर। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में कैसर में कैसा कारोबार देखने को मिल पाएगा? और रूपा जी, एक और सवाल रहेगा कैसर से जुड़ा हुआ। हम देख रहे हैं कि इस बार जो अच्छी बारिश हुई है उसे अब ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि गुजरात में कैसर का बुआई का रकबा बढ़ सकता है। ऐसे में अगर बुआई का रकबा बढ़ता है तो क्या कैसर की कीमतों पर दबाव भी बनता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, अभी तो बाजारों के अंदर जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोडक्शन तो पहले भी ठीक ठाक था लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही थी जिसकी वजह से इसकी कीमतें सस्टेन होती दिखाई दी। और हो सकता है कि अब सोइंग के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं कि इसका रकबा बढ़ जाए, और अगर सोइंग बढ़ती है तो डेफिनेटली अगर उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कैसा निकलता है, और प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो कीमतों के ऊपर दबाव आ सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, अगर एक्सपोर्ट डिमांड उसके कंपेरिजन में बढ़ गए तो वापिस ये कीमतें उठती हुई नजर आएंगी। और अभी हाल फिलहाल में जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो एज यूजुअल 6300 से 6500 के बीच में अभी भी कैसर सस्टेन है, कोई बहुत ज्यादा भी मूवमेंट आती दिखाई नहीं दे रही है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6800 से 7000 ऊपर जा सकता है, वहीं अब निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि एक बार 6200 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिसंबर वायदा देख सकता है। जिस हिसाब से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड्स कम हुए हैं अब, तो उसका एक इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि 6200 तक नीचे कीमतें आ सकती हैं और ऊपर में 6500 का लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो वापिस तेजी आएगी, अदर यहीं पर बाजार जो है सिमटते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, ये सर रूपा जी, बात करेगा दाल दलहन के बाजार की, तो अब देख सुनने में आ रहा है कि जो सरकार है मूंग दाल की जो खरीद है अब उसमें एक्सटेंड कर दी गई है डेट, 30 नवंबर तक करेगी उसकी खरीद। आपको क्या लगता है इसका असर बाकी दाल दलहन पर कितना पड़ता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, अभी जो दालों की कीमतों की अगर बात करें तो फिलहाल कीमतें जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा मुझे मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि पल्सिस के अंदर अभी फिलहाल जो है बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। आने वाले दिनों में थोड़ा सा दबाव जो है वो बना रह सकता है, चाहे वो चना हो या फिर अदर मूंग उड़द तुअर, इन सब में प्राइजेस जो है वो एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे इलेक्शन है तो इन चीजों की कीमतें अभी फिलहाल कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर चने की, तो चने में हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है इस बार ठीक ठाक बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन, और हमने लगातार साल दर साल चने का जो उत्पादन है वो बढ़ते हुए भी देखा है। लेकिन रूपा जी, जहाँ पे उत्पादन बढ़ा है वहाँ पे चने की जो डिमांड है और जो सब खपत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। आपको क्या लगता है आगे जाके चने का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, अभी डिमांड जरूर बढ़ी है तो प्रोडक्शन के अंदर भी हमने तेजी बढ़ते हुए देखा है। और अभी जो एरिया है वो भी बताया जा रहा है कि लास्ट 40 से 50% जो है काबुली चना इस साल का एरिया जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्राइजेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि प्राइजेस अभी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और रबी सीजन 2020-21 की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन जो है वो काबुली चने का गिरा है, 2.5 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है कि उसके अंदर एक गिरावट आई है। तो डिमांड जरूर इस कमोडिटी की बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन वहीं कीमतों के ऊपर भी कंट्रोल होता हुआ नजर आया है। तो अभी कीमतें एक रेंज में कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड ही बना रह सकता है, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि फिर से 2500 के नीचे लुढ़क गया है। हालांकि अब धीरे धीरे हल्की सी बढ़त भी देखने को मिल रही है, इस समय 2477 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 0.5% की तेजी के साथ। आपको क्या लगता है क्या बिनौला कल एक बार फिर से 2500 का लेवल टच कर पाएगा इंट्राडे के अंदर? देखिए, टच कर सकता है 2500 का लेवल, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए, कॉटन में भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से बाजारों के अंदर इंपैक्ट जो है वो डाउनसाइड का है। लेकिन फंडामेंटल तो अभी भी पॉजिटिव है, कल की गिरावट के बाद वापस से बाजार उठा है। 2400 से 2500 2520 की फिलहाल रेंज में, 2600 तक भी हमने इसको ऊपर जाते हुए देखा है। तो फिलहाल ये रेंज है इसकी, और जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं देता तब तक टेक्निकली इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं फंडामेंटल सपोर्टिव है तो बाजार हो सकता है कि आपको एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे। और जहां इंट्राडे की बात है, आज इंट्राडे में 2520 तक का लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी,
तो यानी कि बिनौला खाल एक बार फिर से 2500 के सपोर्ट पर जाता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी के अनुसार बिनौला खाल इंटरडे में 2520 का लेवल टच करता नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो देख रहे हैं ग्वार गम का दिसंबर वायदा 12268 पर कारोबार कर रहा है। एक बार फिर से ग्वार में एक निचले स्तर पर खरीदारी निकली है। और बात की जाए अगर ग्वार सीड की दिसंबर वायदे की, तो 6536 पर कारोबार कर रहा है, 3% की तेजी ग्वार सीड में, और ग्वार गम के दिसंबर वायदे में 4% की तेजी। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार गम और ग्वार सीड में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती है, फिर निचले स्तरों से एक खरीदारी निकलती है, तो क्या ये गिरावट और तेजी जस्टिफाइड है? क्या फंडामेंटल्स वाकई में इतने मजबूत हैं? क्या ग्वार गम और ग्वार सीड की मार्केट्स में इतनी डिमांड है कि ग्वार गम और ग्वार सीड को तेजी की ओर लेके जाएं? देखिए, जहां तक ग्वार गम और ग्वार सीड की बात है अखिलेश, इसके फंडामेंटल इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि ग्वार और गम और ग्वार सीड के अंदर इतनी तेजी आती हुई दिखाई दे। लेकिन जो बनाया जा रहा है सिनेरियो, जो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं, ये उठा पटक के बाद वापस से खरीदारी देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जो जहां तक मंडियों में मेरी बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं अब वो काफी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ग्वार के अंदर जो पहले तेलों के अंदर खरीदारी करते दिखाई दिए थे, अब ग्वार के अंदर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से कीमत उठती हुई नजर आ रही है। और जिनके पास ग्वार रखा हुआ था वो इस लेवल पर बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगे, क्योंकि काफी समय के बाद ग्वार के अंदर रैली आई है। तो अभी ये कंटिन्यूशन में बढ़ सकती हैं और कीमतें जो है, मुझे लगता है कि आज जो 4-4% की गिरावट तेजी देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद, ये इसी तरीके का माहौल रहेगा। मैंने पहले भी यही बोला था कि जो गिरावट आती है आप उसमें बाइंग करके चले, क्योंकि ग्वार में अब तेजी बनना तय है। जिस तरीके का मार्केट में सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है, ट्रेडर्स एक्टिव है, बाइंग लगातार देखने को मिल रही है, वायदा के अंदर भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो 10,000 के ऊपर जब तक ग्वार सस्टेन है तब तक तेजी का रुझान बना रह सकता है, तो इसमें गिरावट की उम्मीद नहीं है। और सीड भी 6,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको 6800 से 7,000 तक ले जा सकती है। गम भी 13,000 से लेकर 15,000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से वायदा में निचले स्तर पर खरीदारी निकलती है, तो क्या इसका एक रिफ्लेक्शन, क्या इसका कुछ असर हाजिर बाजार पर भी पड़ता नजर आ सकता है? क्या हाजिर में किसानों को कुछ कीमतें अच्छी मिलती नजर आ पाएंगी? देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से तेजी बन रही है तो फार्मर्स को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो उस रेट पर माल निकालेंगे, क्योंकि क्या टेंडेंसी क्या होती है कि जब प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं तो लोग इस लेवल पर माल एग्जिट नहीं करते, बल्कि और बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट बाइंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो और बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो है प्राइसेस जो है वो तेजी की तरफ है, और जब ऊपर जाता है मार्केट तो उसमें कुछ कुछ माल लिक्विडेट करना चाहिए ताकि कीमत प्रॉफिट बुक करते रहें आप। अगर इस वेट में बैठे रहेंगे कि 15,000 के बाद 18,000-20,000 आएगा, तो हो सकता है वो लेवल टच करते ही मार्केट वापस से क्रैश हो जाए और आपको वो लेवल्स ही ना मिले ताकि आप उस पर अपना माल निकाल पाएं और फिर आप कहें कि हमें प्रॉफिट नहीं मिला। तो इसीलिए देखिए, ट्रेंड है, पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन माल को धीरे धीरे लिक्विड करके प्रॉफिट कमाना भी सीखें, इसमें प्रॉफिट कमाएं, और जब फिर नीचे आए तो फिर बाइंग करके आप चल सकते हैं वायदे के अंदर, या फिर हाजिर के अंदर भी आपके पास रखा है तो कुछ एक 10-20% माल आपको लिक्विडेट करते रहना चाहिए, जो ऊपरी स्तर आते हैं, जब नियर रिकॉर्ड टच हो तब आपको थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट करना चाहिए। और अभी ग्वार गम की भी यही सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि अब ये इस गिरावट के बाद हो सकता है नया रिकॉर्ड टच करे, फिर उसके बाद जो है फिर करेक्शन आए, उसके बाद फिर से तेजी बने। तो अभी फिलहाल के लिए 13,000 तक का स्तर हम देख रहे हैं कि एक बार मार्केट दिखला सकती है। जी ये सर, ऊपर जी नजर डालें अगर मसालों की कीमतों की तरफ, तो मसालों में हमने देखा है कि धनिया का दिसंबर वायदा 8680 पर कारोबार कर रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि हल्दी और धनिया का जो वायदा बाजार है लगातार तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने धनिया की कीमतों को काफी ज्यादा 8000 के ऊपर, काफी ट्रेडिंग सेशंस तक 8000 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखा था, लेकिन 8000 से लेकर 8100 के बीच में ही कारोबार कर रहा था। अब देख रहे हैं कि जिस हिसाब से फंडामेंटल्स बने हैं, जो धनिया है लगातार तेजी की ओर जाता नजर आ रहा है, और आज 8600 का भी लेवल टच कर चुका है, जो कि आपने बताया था कि 8600 8700 धनिया में भी देखने को मिल सकते हैं। आपने जो लेवल दिया था वो भी आपका लेवल अचीव होता नजर आ गया है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, धनिया में आगे क्या 9000 या उससे भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
देखिए अखिलेश, 9,000 का लेवल अभी संभव है कि बाजार में देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से तेजी बनी है, और 9,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आप 10,000 तक भी धनिए को जाता हुआ देख सकते हैं। धनिए के अंदर अब डिमांड वापस से पिकअप होती दिखाई दे रही है और प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्रॉप भी डैमेज की खबरें निकल कर आई है, तो इस वजह से इसके अंदर तेजी बनती दिखाई दी है और अब धनिया 9,000 से लेकर 9,200 का स्तर छू सकता है और उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद आप इसको 10,000 भी जाता हुआ देख सकते हैं। वहीं दूसरे मसालों की बात करें तो जीरा देखिए 16,000 के ऊपर सस्टेन है, अच्छा इंडिकेशन है, टेक्निकली भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने आप को मेंटेन कर रहा है। अगर 16,000 के ऊपर की मेंटेन रहता है तो ऊपर में आपको 16,500 से लेकर 17,200 का स्तर देखने को मिल सकता है। हल्दी एज यूजुअल 7,800 के ऊपर तेज निकलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आप देखिए 7,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रही। दिसंबर वायदा अभी भी 7,500 के घरों में कारोबार कर रहा है, लेकिन हाँ अप्रैल वायदा 8,000 के ऊपर है और अप्रैल वायदा अगर 8,200 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देता है तो फिर उसमें 9,000 तक के 8,800-9,000 तक के स्तर संभव है और दिसंबर वायदा में मैक्सिमम मुझे लगता है कि 7,200 से 7,800 की रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात की जाए जीरे की तो जीरा भी हमने 16,000 के ऊपर आते हुए देखा है, इस समय 16,200 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है और काफी दिनों से जीरा इसी लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि बीच में एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए लुढ़का था लेकिन फिर से वहां से तेजी बनती नजर आई। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से नए साल की शुरुआत में एक्सपोर्ट डिमांड जीरे की बढ़ने की खबरें आ रही हैं और जो व्यापारी हैं वो भी लगातार ये बता रहे हैं कि जीरे की जो निर्यात मांग है वो बढ़ सकती है, अगर ऐसा होता है तो क्या जीरा नए साल 2022 की शुरुआत के कुछ महीनों में 17,000 से लेकर 18,000 के भी लेवल्स दिखला पाएगा क्या? देखिए एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल अगर पिकअप होते हैं तो तेजी बन सकती है और 17-18 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लेवल्स टच हो जाएं, और प्रोडक्शन कैसा है रहेगा आगे ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो है बहुत लंबे अरसे के बाद जीरे में थोड़ा बहुत बाइंग आता हुआ दिखाई दिया है और अभी अगर सस्टेन होता है तो अभी इमीजिएट आपको 16,800 से 17,000 का टारगेट तो अभी भी हाल फिलहाल में दिसंबर वायदा में भी देखने को मिल सकते हैं। जी यहीं से रूपा जी बात की जाए अगर खाद्य तेलों में सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि आज भी 5,960 पर कारोबार कर रहा है और 5,988 का हाई लगा चुका, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी हमने सोयाबीन में 6,000 के ऊपर के हाई लगते हुए देख लिए हैं, अब ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ किसान सोयाबीन होल्ड करके चल रहे हैं, सरकार खाद्य तेलों के स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है और सख्ती भी दिखा रही है, सरकार ने खाद्य तेलों के पर स्टॉक लिमिट भी लगा रखी है और किसी का स्टॉक ज्यादा होता है तो उस पर कार्यवाही भी की जा रही है। रूपा जी एक तरफ तो किसानों में और व्यापारियों में डर का माहौल भी है कि अगर वो इसमें कुछ दाव लगाते हैं कहीं सरकार कुछ नया फैसला ना ले ले जिससे कि उनकी जो लागत है वो ना निकल पाए, और दूसरा सरकार सोया खली का आयात भी कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है सोयाबीन का बाजार आगे जाके कहां तक जा सकता है, मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर, और क्या सरकार सोयाबीन पर कुछ और नए फैसले ले सकती है? बहुत ज्यादा कोई सरकार की तरफ से हस्तक्षेप आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ अगर कीमतें यहाँ से ऊपर जाती हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आ सकती हैं ऐसी, और अभी जो लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे, देखिए हमने पहले भी बताया था कि 5,800 से लेकर 6,200 तक ऊपर एक बार सस्टेन हो सकता है मार्केट, अभी 6,000 के ऊपर आज निकल चुका है सोयाबीन और दिसंबर वायदा अभी 6,000 के नीचे है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा 6,200 तक एक बार टच हो सकता है, अगर उसके ऊपर रुकता है और फिर से खरीदारी देखने को मिलती है तो फिर आप मान के चलिए 6,800 से 7,000 का स्तर भी सोयाबीन के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट में बिकवाल नहीं है फिजिकल में और खरीदारी इन लेवल्स के ऊपर अब आती हुई दिखाई दे रही है जो कि कीमतों को वापिस से ऊपर ले जा सकती है और उम्मीद की जा रही है कि कीमतें एक बार 6,200 के आसपास सस्टेन कर सकती है। सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो तेजी की ओर ही जाता हुआ नजर आ सकता है और वायदा बाजार के साथ साथ जो सोयाबीन हाजिर मंडियों में भी तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी के अनुसार सोयाबीन अगर 7,000 तक जाती नजर आ सकती है। रूपा जी यहाँ से बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने देखा है कि एक अच्छी रैली के बाद जो कॉटन है वो लाल निशान पर है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से भारतीय कॉटन की विदेशों में काफ़ी अच्छी मांग है और जो डोमेस्टिक लेवल्स की बात की जाए तो डोमेस्टिक लेवल पर भी कॉटन की स्पिनिंग मिलों से कताई मिलों से काफ़ी अच्छी मांग निकल के सामने आ रही है, और दूसरा प्रोडक्शन भी कम ही रह सकता है क्योंकि जो पिंक बॉल वॉर्म कीट है और जो भारी बारिश है उन्होंने
दोनों ने कॉटन की जो फसलें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन में आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा, मद्देनजर की जो चीन है कॉटन की बिकवाली कर रहा है? देखिए अभी कपास के अंदर और देखा जाए तो तेजी ही है, जो फंडामेंटल है वो सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइसेस के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत अभी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट है नहीं इस कमोडिटी के अंदर। आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि निर्यात मांग भी अच्छे निकल रहे हैं और जिस तरीके से खबरें कपास के प्रोडक्शन को लेकर निकल कर आ रही है डैमेज की, तो वो कीमतों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे सकती है और 33,000 तक हम वायदा के अंदर भाव को जाते हुए देख सकते हैं। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने बिनौला खल 2517 के स्तर पर खरीदा है, अब इनको क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अगर 2517 के स्तर पर खरीदा है तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, ये लेवल्स आ सकता है और दिसंबर वायदा है तो आप एक बार 2440 का एक स्टॉप लॉस जरूर अपना मेंटेन करें और पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। रूपा जी, दर्शक जुड़े में हमारे साथ बहुत सारे जिनका सवाल लगातार प्याज को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि प्याज आगे जाके किस भाव पर रह सकती है जिस हिसाब से उत्पादन है और खपत है। दूसरा, फसलें भी खराब हुई हैं, जो स्टॉक की हुई प्याज थी महाराष्ट्र किसानों द्वारा वो भी खराब मौसम के चलते, बेमौसम बारिश के चलते, नमी के चलते खराब होती नजर आई है। और अब दूसरा जर्ली खरीफ की जो प्याज है वो भी 7-10 दिन के अंदर बाजारों में आने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है प्याज का बाजार आगे क्या रह पाएगा और किसानों को सख्त प्याज में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अभी प्याज का बाजार जो है थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया है, जो पहले तेजी आ रही थी अब वो वापस से थम गई है और कीमतें फिर से कंट्रोल में आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज में प्याज फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है और नई अराइवल जिस तरीके से मार्केट में पहुंचेंगी तो फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। जो भी बाउंस आता मिलता है आप उसमें बिकवाली कर दे, अपना माल जो है धीरे धीरे लिक्विडेट कर दे, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी है। जो तेजी आनी थी वो आ चुकी और आप देखिए मंडियों के अंदर भी अब लगातार देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत बाजार ऊपर जा सकता है, अभी देखिए जहां पर हमें 3500-3700 का मैक्सिमम भाव ऊपर में देखने को मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 4000 तक जा सकता है, इससे ज्यादा भी फिलहाल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे में भाव जो है वो मुझे लगता है कि लुढ़क सकते हैं। अभी जो अगर हम रिटेल में बात करें तो 30-35 रुपए किलो जो प्याज मिल रहा है 35-40 के आसपास, वो मैक्सिमम 50-60 तक एक बार तेजी पकड़ सकता है अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज प्राइसेस जो है इसी रेंज में घूमते रहेंगे और बहुत ज्यादा अभी फिलहाल किसानों को तेजी में नहीं रहना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो मक्के के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मक्के में आगे कैसा भाव देखने को मिल सकता है। रूपा जी, कई जगह तो हमने ऐसे भी देखी है कि जहाँ पर मक्के का उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिला या फिर मंडियों में आवक ही कम है, जिसकी वजह से मक्के का दाम कुछ सुधरता नजर आया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर मक्के का दाम इस बार किसानों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या साल 2021 भी साल 2020 की तरह मक्का किसानों के लिए खराब रहने वाला है? देखिए बिल्कुल मक्का की जो आवक है वो मंडियों में अभी फिलहाल कुछ एक मंडियों में बम्पर आवक देखने को मिल रही है और जहां तक हमारी बात हुई है तो बताया जा रहा है कि नमी ज्यादा है इस वजह से भाव नहीं मिल पा रहे हैं, तो फार्मर्स को अपना मक्का जो है वो कम भाव पर बेचना पड़ रहा है। नमी अधिक होने के चलते मक्का के भाव जो है वो 800 से लेकर 1500 1550 के बीच में सिमटते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भाव जो है इसी तरीके देखने को मिल सकते हैं। पहले हमने देखा था पिछले साल भाव जो था 2000 से लेकर 2200 के आसपास देखने को मिल रहे थे, अभी जो पिछले महीनों में बारिश हुई है उसकी वजह से काफी जगह पर मंडियों में हमने मक्का की फसल को खराब होते हुए देखा है कि मक्का भीग चुका है जिसकी वजह से उसके अंदर नमी आ चुकी है और इस वजह से उसके प्राइजेस गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो फिलहाल प्राइजेस इसी रेंज में घूमते रह सकते हैं 1500 से 1800, मक्के में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी यहीं से रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ एक जिनका सवाल लगातार धनिये को लेकर आ रहा है, वह जानना चाह रहे हैं धनिये में भविष्य में भाव कैसा रह सकता है। देखिए धनिया में तेजी है, अभी तेजी बनती हुई भी दिखाई दी है और अभी धनिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और भविष्य की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 10,000 का स्तर देखने को मिले, तो अगर आपके पास रखा है तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, मुझे लगता है कि आगे तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए बहुत सारे जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर भी आ रहा है,
रूपा जी, देख रहे हैं कि किसान मंडियों में सरसों ला नहीं रहे हैं और नई सरसों के आने में अभी टाइम है, और जो अराइवल होगा वो भी लगभग 1 से 1.5 महीना लेट ही होगा, क्योंकि जो सोइंग है वो भी लेट हुई थी और सोइंग के टाइम पे भारी बारिश की वजह से किसान को दोबारा से बुवाई करनी पड़ गई थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो कुछ स्टॉक है वो अभी जो बचा कुचा है वो भी किसानों के ही पास है, ऐसे में जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर है उनके मद्देनजर सरसों में क्या अभी और तेजी संभव है? देखिए, सरसों में अभी फिलहाल बाजार जो है वो बहुत ज्यादा, देखिए मुझे तेजी इसमें नहीं लगती है, लेकिन हाँ छुटमुट खरीदारी बन सकती है। जिस तरीके से सोयाबीन को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है और थोड़ा सा बाजार ऊपर जा सकता है। जो पहले जितनी तेजी आई थी उतनी तेजी फिलहाल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है तेलों के अंदर। मुझे लगता है कि अभी सरसों जो है वो एक दायरे में कारोबार कर सकती है, और देखा जाए तो अभी जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिए हैं उसका इम्पैक्ट आते हुए हमने देखा है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, 1200 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जो तेजी बनती दिखाई दे रही है तेलों के अंदर वो सोयाबीन के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं बिल्कुल अभी अभी, जस्ट किसान दर्शक है हमारे ये, जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने मंडियों के अंदर कपास की जो कीमतें हैं उनको पहले से काफी ज्यादा अच्छे भाव पर बिकते हुए देखा है, किसान को जो भाव मिल रहे हैं इस वक्त मौजूदा दरें उससे किसान काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, उनके नुकसान की भी भरपाई होती नज़र आ रही है। इनफैक्ट कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जहां पर ये सुनने में आया है कि जो व्यापारी हैं अब किसानों के घरों का दरवाज़ा खटखटाकर कपास खरीद रहे हैं, अब ऐसे फैक्ट्स और खबरें निकल के सामने आ रही हैं। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कपास की कीमतें अच्छी बिक देखने को मिल रही हैं, तो हाजिर में कपास की कीमतें आगे कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए अखिलेश, हाजिर में कीमतों में अभी बढ़ोतरी संभव है। अभी देखिए जो थोड़ा सा बाजार रुक गया है, जो तेजी बन रही थी वो थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है, क्योंकि अराइवल्स काफी अच्छे खासे मंडियों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अराइवल्स बढ़ सकते हैं, अराइवल बढ़ने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी बाजार जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिल रहा है 7800 से लेकर 8500-8700 तक के भाव हमें मंडियों में देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे जिस तरीके से डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है और प्रोडक्शन काफी कम है, तो इस वजह से आगे वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और आप मान के चलिए कि करंट लेवल से 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी बन सकती है हाजिर के अंदर भी, तो वो लेवल्स होंगे जहां पर आपको अपना थोड़ा बहुत माल जो है लिक्विडेट करना चाहिए। देखिए उसके बाद सस्टेनेबल होगा नहीं होगा मार्केट ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बार उम्मीद है कि 9700 से लेकर 9800 का भाव हाजिर में देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट 10,000 का लेवल भी टच हो सकता है, तो वहां पर जब प्राइसेस जाए तब आपको माल निकाल देना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक है हमारे साथ प्रकाश वार्षणे जी, जिनका सवाल सीपीओ को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सीपीओ 1150 होगा? देखिए अभी तो ये कहना मुश्किल है 1150 होगा या नहीं होगा। अभी देखिए बाजार जो है वो एक कारोबार जो है वो दायरे में देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत उठता हुआ जरूर नजर आया है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आ सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा भी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, रूपा जी दर्शक जुड़े हमारे साथ सादेक मोमिन जी, जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनके दो सवाल है बिनौला खल को लेकर, क्या 2022 में बिनौला खल लॉन्ग टर्म में 4000 का स्तर दिखा सकता है, और दूसरा क्या बिनौला खल को अभी स्टॉक करके चलना सही रहेगा? स्टॉक देखिए किया जा सकता है, अगले महीने के वायदे में आप बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाजार ऊपर आ सकता है, ज्यादा बहुत ज्यादा भी पोजीशनें मत बनाइएगा, लेकिन हाँ बनाई जा सकती है, आगे तेजी बन सकती है। अगले वायदा जनवरी वायदा की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें करंट लेवल से ऊपर हमें 400-500 रुपए का भी फिलहाल उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं लहसुन के भाव आगे कैसे देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सर्दियों का आगमन हो चुका है, सर्दियों में हम देखते हैं कि लहसुन की जो खपत है अक्सर बढ़ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है लहसुन की जो कीमतें हैं आगे क्या रह सकती है, और ये भी सुनने में आया है कि लहसुन का जो आयात है, जो इम्पोर्ट है, वो भी थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ से कम देखने को मिला है, क्योंकि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया गया है उसकी वजह से जो ट्रेडिंग रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते नज़र आए हैं, ऐसे में लहसुन का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है?
देखिए अभी जो फिलहाल देखा जाए तो लहसुन के पीछे हमने देखे थे कि प्राइसेस काफी नीचे गए थे और सही दाम ना मिलने से किसान भी काफी नाराज नजर आए थे, लेकिन अब वापिस से थोड़ा सा भाव उठते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि इस सीजन में लहसुन के भाव 100 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस साल लहसुन के भाव में इतनी तेजी नहीं आई है। बाजार जो है वो 60 से 70 रुपए के बीच में घूमते हुए नजर आए हैं और इस वजह से किसान काफी नाराज भी हैं कि इस बार प्राइसेस जो है उनको अच्छा नहीं मिल रहा है मंडियों के अंदर। लेकिन आने वाले दिनों में छुटपुट खरीदारी बन सकती है और सीजन की डिमांड को देखते हुए, विंटर सीजन की डिमांड को देखते हुए बाजारों में थोड़ा सा उठाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि छुटपुट खरीदारी बन सकती है जिसकी वजह से बाजारों में थोड़ा सा उठाव आ सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी, जो जानना चाह रहे हैं क्या सीपीओ और सोया में बड़ी पोजीशन लेकर चला जा सकता है? देखिए अभी फिलहाल बड़ी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए मेरे हिसाब से, वेट करें, अभी इन लेवल्स के ऊपर बड़ी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। जी रूपा जी, आपने किस कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आगे क्या भाव रह सकते हैं, ये तो आपने बता दिया। आपसे वो जानना चाहेंगे कि वो कमोडिटीज कौन सी होंगी जिनमें अभी बच के चलना सही रहेगा, जिनमें अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चलना सही रहेगा। देखिए जहां तक वेट करने की बात है तो मुझे लगता है कि अभी जो वेट एंड वॉच आपको बना के चलना चाहिए वो है, आपको अभी थोड़ा हल्दी में वेट करें, अभी हल्दी में इन लेवल्स के ऊपर बाइंग ना करें। हाँ, सोयाबीन में आप बाइंग करके चल सकते हैं, सरसों से दूरी बना के रखें। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अभी जो है कैस्टर कैस्टर भी थोड़ा सा रुक सकता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा वेट करें। और इसके अलावा आप बिनोला खल में खरीदारी कर सकते हैं, ग्वार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये दो ऐसी कॉमोडिटीज हो सकती हैं जो आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आई है और आगे कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं अपने दर्शक का, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, सोयाबीन का विश्लेषण जानना चाह रहे हैं। तो सोयाबीन में तेजी का ही रुझान है, हमने एक महीना पहले हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रोमनी ग्रुप कर्नल अजय जी, उनका एक इंटरव्यू अपलोड किया था उस जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3-4 महीने ऐसे हो सकते हैं खाद्य तेलों के लिए जिनमें तेजी ही देखने को मिलेगी। उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया था वो 11 अक्टूबर 2021 को दिया था और कल हमने उनके साथ एक और इंटरव्यू किया, 16 नवंबर को हमने उनके साथ एक और इंटरव्यू करा सोयाबीन का, जिसमें उन्होंने यही बताया कि सोयाबीन की कीमतों में आगे तेजी ही रह सकती है और वैसा ही रुझान अब हम बनता देख रहे हैं वायदा बाजार के अंदर भी और हाजिर मंडियों के अंदर भी, कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, जो कि साल 2022 की शुरुआत तक जारी रह सकती है ये जो तेजी है। हमने दोनों ही इंटरव्यूज अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, कल ही अपलोड किया है, तो आप वो रिपोर्ट हमारी जाके देख सकते हैं और जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।